नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अच्छी खबर गुजरात से आई है। वहां के एक कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा ने नोटिस जारी करके सभी स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का आदेश दिया है। प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से जारी नोटिस में छात्रों को कहा गया है कि वो एक पासपोर्ट साइज का फोटो और मोबाइल लेकर कॉलेज जाएं और बीजेपी का सदस्य बन जाएं। दोस्तों, माननीय प्रिंसिपल साहिबा रंजन बाला गोहिल ने बीजेपी की सदस्यता अभियान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नायाब नुस्खा निकाला है। इतना क्रिएटिव और इतना इनोवेटिव आइडिया आज तक दुनिया के किसी कोने में किसी ने अप्लाई नहीं किया था। हिटलर और मुसोलिनी ने जरूर अपने नागरिकों से समर्थन देने की अपील की थी, लेकिन उनके राज में भी किसी कॉलेज की प्रिंसिपल ने नोटिस जारी करके छात्रों को पार्टी विशेष में शामिल होने के लिए नहीं कहा था। इस लिहाज से प्रिंसिपल रंजन बाला गोहिल की नई सोच की सराहना की जानी चाहिए, उनका सम्मान भी होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि माननीय मोदी जी से अपील भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि वो प्रिंसिपल साहिबा को इस सोच को और विस्तार दें। प्रिंसिपल साहिबा न केवल अपने कॉलेज के छात्रों को बीजेपी में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है, मोदी जी को पूरे देश के कॉलेज स्कूल के छात्रों को बीजेपी का सदस्य बनाने का आदेश दे देना चाहिए। नोटिस जारी करके कह देना चाहिए कि सब कल पासपोर्ट साइज की फोटो और मोबाइल लेकर आए और बीजेपी का सदस्य बन जाए। ये है आज का हमारा लोकतंत्र। जो छात्र आदेश का उल्लंघन करता है उसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान बना दिया जाए। इसी तरह के नियम दूसरे छात्रों में भी बनाया जा सकता है। जैसे किसी को रेल का टिकट लेना है तो उसके लिए शर्त हो कि वो पहले बीजेपी का सदस्य बने। किसी को अस्पताल में इलाज कराना हो तो उसे बीमारी से पहले ये बताना होगा कि वो बीजेपी का सदस्य है या नहीं, और अगर बीजेपी का सदस्य नहीं है तो पहले बीजेपी का सदस्य बने, फिर वो अपना इलाज कराए। राशन पानी से लेकर साग सब्जी तक की दुकान पर ये नियम लागू हो सकता है। उसी को राशन मिलेगा जो बीजेपी का सदस्य है। हरी हरी ताजी सब्जी केवल बीजेपी सदस्यों के लिए उपलब्ध है टाइप के बोर्ड भी लगाए जा सकते हैं। कायदे से सबको इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि प्रिंसिपल साहिबा ने बीजेपी की सदस्यता अभियान को रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई राह दिखाई है। लेकिन क्या कीजिएगा, राम राज में भी भगवान राम की नीति और नियत पर सवाल खड़ा करने वाले पैदा हो गए थे, इस मामले में भी पैदा हो गए। सबने मिलकर प्रिंसिपल साहिबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दबाव में आकर कॉलेज मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल साहिबा को सस्पेंड कर दिया। बेचारी प्रिंसिपल साहिबा का बीजेपी की सेवा का ख्वाब अधूरा रह गया। मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, कॉलेज प्रशासन ने प्रिंसिपल साहिबा के साथ बहुत नाइंसाफी की है। आपको उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। आप उन्हें वाइस चांसलर जैसा कोई पद दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को बीजेपी का सदस्य बना सके। वैसे भी जब से ये बात सामने आई है कि उदयपुर में कन्हैया लाल जी का हत्यारा रियाज और जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार लश्कर का कमांडर तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था, तब से आपकी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है। ऐसे में आपको रंजन बाला गोहिल जैसी गुरुओं की नई सोच से फायदा उठाना चाहिए और जबरदस्ती छात्रों को बीजेपी का सदस्य बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, इस मसले पर अगर आपके पास भी कोई मोदी जी के लिए सलाह है तो आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।